de कि गर्मियाँ आप तक पहुंचा मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल आप तक पहुंचा दिया है जिसे आप गर्मियों में कर सकते हो तो वैसे तो सही बताऊँ कोई जरूरी नहीं होता कि आप गर्मियों में दूसरे मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करो आपको सिर्फ अपना स्किन पर अलग करना होता है बाकी वही प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो जो आप सर्दियों में यूज करते हो तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो सब लिखती जा रही हूँ स्क्रीन पर आप लोग देखते जाना और ये मैंने पैक का मॉइस्चराइजर यूज किया है ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है पर इसे लगाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी स्किन अभी भी बहुत ज्यादा ड्राई है पील भी हो रही है तो मैंने कहा इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे अपना स्किन केयर तो मैं सबसे पहले अपना आई अप करूँगी और मैं आज गुलाबी परी बनने वाली हूँ और गुलाबी कलर का आई मेकअप करने वाली हूँ तो मैंने ये मास्क ऐसे पैलेट ली है इसमें एक लाइट पिंक एंड डार्क पिंक दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया फिर उसके बाद डार्क पिंक को आउटर कॉर्नर से अप्लाई किया और अंदर की तरफ ब्लैंड कर दिया है बस इतना ही करना है कुछ नहीं प्रैक्टिस करोगे तुरंत ही आ जाएगा क्योंकि बहुत आसान है उसके बाद माइक लैम का ये लूज पिगमेंट लिया उसे अप्लाई किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर लिया है थोड़ा ग्लिटर कम लगा था इसलिए लूज ग्लिटर और अप्लाई कर लिया फ्लिपकार से खरीदे मैंने आपको बताया था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और पील हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर स्वच्च बूटी का रियल का बेस प्राइमर यूज किया है ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है तो आज मैं अपना बेस बनाने वाली हूँ इस डर्मा कलर की सेट से। तो है हमारा और इससे मैं अपना करेक्शन करने वाली हूं, अंडर आइज के नीचे और जहां जहां भी है ना अप्लाई करूंगी इससे बहुत हल्का हल्का और इसके बाद इसे करूंगी ब्लैंड ये मार्स का ब्यूटी ब्लैंड है ये बहुत अच्छा है अभी मैंने इसका रिव्यू अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला है अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है वहां से जाकर चेक कर लेना मैंने जो ये पहला सेट लगाया है उसे हाइड करने के लिए मैं डी फाइव लगा रही हूँ इसमें मैं ला रही हूँ पैक का मेकअप ब्लेंडर इससे क्या होता है ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा और अप्लाई करना काफी आसान रहेगा तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और उसके बाद जहां जहां पे मैंने पहले कलर अप्लाई किया था ना डार्क उसी के ऊपर अप्लाई करूंगी मैं ताकि वो कलर हमारा मेकअप ग्रे ना पड़े उसके लिए तो मैंने इसे अप्लाई किया और उसके बाद ब्लेंड कर दिया देखो तो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसमें कोई भी प्रमोशन नहीं है सब कुछ मैंने खुद के खरीदा है खुद के पैसों से खरीदा है यार तो भरोसा करना उसके बाद है ये लास्ट सेड ये था डी ये थोड़ा सा लाइट सेड है और इसे मैं अप्लाई करूंगी इस पर भी मैंने वो मेकअप ब्लेंडर मिलाया है पैक का ताकि थोड़ा सा थिन हो जाए क्योंकि डरमा है तो ब्लेंड करना काफी मुश्किल होता है काफी नहीं थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बाकी रिजल्ट आप लोग देख रहे सा ना मैंने और अपनी अंडर आइज को पहले ब्लेंडर से ब्लेंड किया उसके बाद मैंने पाउडर अप्लाई किया पैक का क्योंकि अगर नहीं करोगे तो लाइन पड़ जाएगी और उसी पाउडर को मैंने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर लिया अच्छे से ताकि सेट हो जाए उसके बाद मैं ले रही हूँ पे शुगर की कॉन्ट्रोल पैलेट क्या है इसमें सब कुछ है ब्लस कॉन्ट्रोल हाईलाइटर सब कुछ है इसका काउंटर मुझे ज्यादा पसंद है और ब्लस भी तो मैंने कॉन्टर लगा लिया है अब ब्लस लगा रही हूं एन वाई बे काफी सस्ता आता है बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूं पे ये निक्स का, प्रोफे, निक्स प्रोफेशनल का काफी अच्छा है इसे मैंने पूरे फेस अप्लाई किया और पता है एक गलती आप लोग को बताऊं मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं ना कि आंखों के ऊपर नहीं डालना चाहिए फिक्सर तो मुझे लगता था क्यों नहीं डालना चाहिए पर अब पता चला इसीलिए डालना चाहिए क्योंकि वो गीला हो जाता है और अपने आगे खोलते हैं तो अगर हमने ग्लिटर लगाया है तो वो दिखने लगता है लाइन पड़ जाती हैं इसलिए नहीं लगाना चाहिए फिर उसके बाद मैंने लगाया है पिंक कलर का एंड इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा ग्लिटर